की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि क्या होगा शिवसेना और बीजेपी का भविष्य। ऐसा लग रहा था बातचीत बंद हो गई, लेकिन बड़ी खबर यह है कि शिवसेना बीजेपी में नए फॉर्मूले पर बातचीत। क्या है नया फॉर्मूला? शिवसेना को 145 सीट देने की बात हो रही है। वो शिवसेना जो कि अड़ी हुई है, चाहती है कि उसको 150, 155 से 150 से कम सीटें ना मिले। बीजेपी 125 और 18 सीटें अन्य को देने पर बात हो रही है। यह एक नए फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है। यहां पर साहिल जोशी हमारे साथ है। साहिल, पूरा ये बताइए, पूरा मामला क्या है, ये नया फॉर्मूला क्या है? देखिए, जब बातचीत रुक गई, जब कल रात को शिवसेना ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी कि हम 150 के नीचे नहीं आएंगे, और उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि 135 सीटें भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा घाटा उठाने को शिवसेना तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि उनकी सीटें बढ़े, वो पुराने फॉर्मूले पर लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक नया फॉर्मूले पर विचार चल रहा है, जिसमें शिवसेना को कुछ नीचे आना पड़ेगा, बीजेपी को भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसके चलते शिवसेना 145, बीजेपी 125 और 18 सीटें जो है, जो चार छोटी पार्टियां हैं उनकी गठबंधन में, उनको छोड़ी जाए। उसमें से भी दो जो पार्टियां हैं जो बीजेपी से संलग्न है, उनके लिए 9 सीटें बीजेपी छोड़े, और 9 सीटें जो शिवसेना से संलग्न है, जो आरपीआई और जो दूसरी एक पार्टी है, जो छोटी पार्टी है, उनको शिवसेना सीटें छोड़े, उस पर विचार चल रहा है। लेकिन हालांकि अभी तक उस पर मुहर नहीं लग पाई है। एक राउंड ऑफ टॉक्स आज भी हो सकते हैं, आज एक बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। शाम को बीजेपी और शिवसेना के नेताओं की बैठक हो सकती है इस फॉर्मूले को लेकर। लेकिन एक बड़ा मामला यहाँ पर आ सकता है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर बीजेपी इस बात की पूरी तरीके से ये देने को तैयार नहीं है कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा किसी भी सूरत में। बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर नतीजों के बाद चर्चा हो, जो नतीजे होंगे उसके आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना कह चुकी है कि किसी भी हालत में मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, और ऐसे में उनकी सीटें ज्यादा आएगी, तभी उनको लगता है कि मुख्यमंत्री पद पर बोलता। एक चीज है साहिल, आज सुबह के अखबारों में हर जगह दो फॉर्मूले पर चर्चा थी। एक फॉर्मूला ये था जिसमें बकायदा ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो 135 सीटें चाहती है। दूसरा फॉर्मूला ये बताया जा रहा था जहां पर आ रहा था बीजेपी 125, 126, 144 या 145 सीटें शिवसेना को और 18 सीटें जो अन्य उनको। यहां पर सवाल खड़ा ये होता है कि शिवसेना जो है वो अपनी तरफ से ये तर्क दे रही है कि जो सीटें जा रही हैं अन्य को वो तो हमारे खाते से ही जा रही हैं, बीजेपी को तो पिछली बार के मुकाबले हर हाल में इस बार ज्यादा सीटें मिल रही हैं चुनाव लड़ने को। अब ये जो इशू है, इस डेडलॉक पर कितना सहमत हो पा रही है शिवसेना, कितना पीछे हटने के लिए तैयार है? देखिए, जो बीजेपी का पहला फॉर्मूला ये था कि 135 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़े, बड़ी पार्टियां, और बाकी 18 सीटें जो छोटी पार्टियां हैं उनको छोड़ी जाए, चार पार्टियों को। लेकिन किसी भी हालत में शिवसेना इसको मानने को तैयार नहीं थी, तो अभी एक नया फॉर्मूला वर्कआउट करने की कोशिश हो रही है कि 145 और 125 इस तरीके से सीटें लड़ी जाए और 18 सीटें इनको छोड़ जाए, जो छोटी पार्टियां उनको। जैसे मैंने कहा कि इस पर मुहर अभी तक लगी नहीं है, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे इस पर अपनी उनकी तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है, लेकिन इस पर विचार जरूर हो सकता है, ये बात चल रही है। जो बाकी 9 सीटें जो दोस्त पार्टियों को छोड़नी है, 9 सीटें 18 में से, उसमें अगर कहीं कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, उसके लिए शिवसेना कोशिश करेगी, यानी आरपीआई और जो शिव संग्राम पार्टी है उनको कम सीटें छोड़ के उनकी सीटें शिवसेना लड़े, इस पर शिवसेना विचार कर रही है। तो इसके लिए जो भी फॉर्मूला होगा फाइनल सीट शेयरिंग का, हो सकता है कि आज की रात की मीटिंग में मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। साहिल, आप बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमें जो जानकारी दे रहे थे, बड़ा साफ है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में एक और दौर की बातचीत इस फॉर्मूले को लेकर कि 125 सीटें बीजेपी को और 145 शिवसेना को मिल जाए। लेकिन वहां किस्सा कुर्सी का है और यहां पर किस्सा विरासत का है।